नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जी एंटरटेनमेंट के बारे में। तो इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो आपको बना के दिया हूँ, क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का भी मतलब एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग का भी एक टारगेट आपको दिया था, और इस कंपनी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। और आज के दिन इस कंपनी ने करीबन करीबन 52 वीक का हाई भी अचीव किया, मतलब एक फिर से एक नया लेवल ब्रेक किया है। तो लेवल ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, तो मुझे लगता है इसका जो टारगेट रखा गया था, देखिए जो टारगेट रखा गया था 400, मुझे लगता है इस 400 तक जाने वाला है। तो उसका कुछ टेक्निकल चार्ट के बारे में यहाँ पे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही बात आपको कहूँगा, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था। मैं आपको 400 का जो टारगेट दिया था वो सिर्फ मेरा टारगेट नहीं था, बहुत सारे दिग्गज इंस्टीट्यूशन का, बहुत सारे दिग्गज एनालिसिस का टारगेट था। और इसमें बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट भी किया है कि इस तरीके से एक टारगेट को फॉलो मत करिए। मैं भी आपको यही कहूँगा, आप स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खुद के एनालिसिस करिए, किसी का ऊपर भरोसा मत करिए, मेरे ऊपर भी नहीं। क्योंकि आपको और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल चार्ट के बारे में पता होना चाहिए, और आप लॉन्ग टर्म निवेशक है उसके लिए आपको इस कंपनी पे क्या राय होने वाला है उसके बारे में भी यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं पिछले मंथ में जो एक वीडियो बना के दिया था, मतलब नवम्बर का फर्स्ट वीक में होगा शायद, तो इस वीडियो में मैं आपको बताया था, ये थंबनेल आपने देखा होगा, इस वीडियो में आपको बताया था इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 400 है, तो मौका पर चौका मारो। तो इस तरीके से कुछ थंबनेल आपको दिया था। तो ऑब्वियसली इस थंबनेल का कुछ कारण था, उस कारण को मैं डिस्कस किया था। इसका जो मेन पीछे कारण था वो है इस कंपनी, ऑब्वियसली सोनी जो एंटरटेन मतलब सोनी जो चैनल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जो बात आपको बहुत दिनों पहले बता चुका था, जी एंटरटेनमेंट और सोनी जो इंडिया है वो दोनों ही एक साथ मार्च होने वाला है, दोनों ही एक साथ टाइप होने वाला है। यहाँ पे देखिए उसी का न्यूज आज भी पब्लिश किया गया है। यहाँ पे देखिए इस न्यूज को मैं बहुत पहले से आपको कवर कर चुका हूँ, तो उसी का नजरिया अभी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जी एंटरटेनमेंट एंड सोनी इंडिया मार्जर टू गो थ्रू सून, मतलब जल्द से जल्द दोनों ही मार्च होने वाला है टोटली। जो को देखिए कोई भी कंपनी मार्ज होने से पहले बहुत कुछ किया जाता है, मतलब बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, उस फॉर्मेलिटीज़ को आपकी फिलअप कर किया जा रहा है, तो उसके बाद आपको इस कंपनी में मार्जर देखने को मिलेगा। तो उसी का फॉर्मेलिटीज़ जब तक जितना दिन आगे आएगा और उतना ही स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगा। तो आज के दिन इस कंपनी ने जो इसका जो मतलब निफ्टी मीडिया सेक्टर है, मतलब निफ्टी का जितने सारे मीडिया कंपनी है, तो उसमें से देखिए यहाँ पे आपको नंबर वन पोजीशन में किसको देखने को मिलेगा, जी एंटरटेनमेंट मतलब जेल मतलब जी एंटरटेनमेंट नंबर वन पोजीशन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी देखिए आज के दिन 52 वीक का हाई भी अचीव किया, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का यहाँ पे सिंबल दिखा रहा है, मतलब 52 वीक का हाई अचीव भी आज ही के दिन किया 364, जब इसका प्राइस रेंज 300 था। तब से मैं आपको बताया था कि इस कंपनी का टारगेट जो रहेगा वो 400 तक शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रहेगा। ऑब्वियसली देखिए 50% प्रॉफिट आपको मिल चुका है। देखिए ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था, मैं आपको सिर्फ एक टेक्निकल चार्ट के पैटर्न के बारे में दिखाया था, और आपको इस टारगेट को देखने के लिए बोला था, मैं कोई इन्वेस्ट करने के लिए आपको नहीं बोला था। तो देखिए मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के बारे में बताता हूँ मेरा जो हर वीडियो में मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिकमेंडेशन करता हूँ, रिकमेंडेशन मतलब आपको उसके ऊपर जानकारी देता हूँ। तो इस कंपनी के जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का जो टारगेट था वो 400 था, तो अभी देखा जाए 50% टारगेट अचीव हो गया। इसका जो टेक्निकल चार्ट है, कौन सा टेक्निकल चार्ट के बारे में दिखाकर आपको बताया था वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्राइस रेंज करीबन 300 जो प्राइस था, उसी लेवल से जब इस कंपनी ने एक बटन बनाया था उसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छा खासा एक तेजी दिखाया, और अभी देखिए जो पिछला हाई था वो पिछला हाई भी आज के दिन यहाँ पे ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है पिछला जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो टारगेट ये जो लेवल है इस लेवल के, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेवल आपको देखने को मिलेगा, और ये जो टारगेट यहाँ पे निकल कर आते हैं करीबन 402। देखिए ये मेरा टेक्निकल चार्ट
मतलब पर्टर्न है, मैं खुद यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ, तो इसलिए इस टेक्निकल चार्ट को आप मत फॉलो करिए, आप इसके ऊपर बहुत सारे जानकारी आपको लेना होगा तभी आप इसको सीख पाएंगे। तो आप इंटरडे बेसिस काम करते हैं, मतलब इंटरडे कॉल में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम के दो लिंक दिया गया है, आप जिसमें कॉल देखना चाहते हैं वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल मिलेगा। आप वहाँ पे पहले एक हफ्ते के लिए काम मत करिए, फिर सिर्फ के सिर्फ उसके ऊपर स्टडी करिए, कॉल के ऊपर फॉलो करिए, उसके बाद आपको लगे हाँ कॉल में काम करना है तो आप काम कर सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं इंटरडे खुद काम करता हूँ और मेरा टीम है, साथ ही साथ हमारा पेड प्रमोशन भी है, तो मैं आपको पेड प्रमोशन लेने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होने के लिए बोलूँगा, तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आज के दिन यहाँ पे देखिए 364 इसका हाई था आज ही के दिन 6 दिसंबर, और लो जो था 166। देखिए राकेश जी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त एक बाइंग करके रखे हैं, मतलब जबरदस्त यहाँ पे खरीदारी करके रखे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब सोनी के साथ इस कंपनी मर्ज होने वाला है, सोनी प्लस जी एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ मर्ज हो जाएगा, तब इस कंपनी का और भी अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। तो एक बात जरूर पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी के जो सीईओ है, जो एमडी है पुनीत गोयल जी, उनको जब जब बोर्ड मीटिंग के माध्यम से जब इसका ज़्यादा हिस्सेदारी मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, किसके पास है, एफआईएस के पास, फॉरेन इन्वेस्टर के पास, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने एक डिसाइड किया था कि पुनीत गोयल जी भी अभी एमडी और सीईओ रहेगा, तो उसी का नज़रिया आपको यहाँ पर रॉकेट की तरह भागने को देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए ये जो डेटा है, ये जो लॉन्ग एक बार इतना बढ़िया बार बना है, तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है इसका सीईओ और एमडी चेंज होने का रीज़न। तो देखिए वो रीज़न मैं बहुत बार वीडियो बना के आपको बताया हूँ, यहाँ पे मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आज के इस कंपनी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है मुझे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने को देखने को मिल रहा है। देखिए हर कोई कंपनी हमेशा के लिए खराब रहेंगे ये बात भी बोलना खराब होगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस कभी ना कभी तो चेंज हो भी सकते हैं, मगर इस कंपनी का कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव बातें यहाँ पे बताने वाला हो तो पूरा देखते जाइए। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, ये एक पॉजिटिव माना जाता है, कंपनी का पी एस सी भी ठीक ठाक लेवल में है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड खराब नहीं है, रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ा सा अभी लो लेवल में है। कंपनी का जो डिविडेंड है वो 0.70% मतलब कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं, और साथ ही साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, साथ ही साथ कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड देते हैं, मगर बहुत सारे नेगेटिव इशू भी इस कंपनी के ऊपर है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ, इसका प्रोमोटर होल्डिंग, इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, सारे के सारे यहाँ पे देखिए सारे के सारे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिखाते हैं। तो कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं, मतलब उस फील्ड में नंबर 1 पोजीशन में कंपनी का रैंकिंग है। देखिए नंबर होने से कुछ फ़ायदा नहीं, तो उससे तो ज़्यादा मैं यही कहूँगा, आप सारे गामा इंडिया को देख लीजिए, उसका पी रेशियो जहाँ शानदार है, तो इसके ऊपर आप पकड़ लीजिए, ये मत करना कोई भी किसी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, उसका रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा है, तो सिर्फ एक चीज़ देख के कोई भी स्टॉक में निवेश मत करना। तो इसी तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस जो मुझे -10 लगा वही आपको बता रहा हूँ, और जो पॉजिटिव लगा वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी खराब परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मुझे लगता है कंपनी धीरे धीरे खुद को इंक्रीज कर रहा है, खुद को बिजनेस को एक्सपांस कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस को बढ़ा भी रहा है, साथ ही साथ सोनी के साथ भी जुड़ रहे हैं, मतलब एक और बड़ा बिजनेस होने वाला है। तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल 3 साल में नेगेटिव है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी उतना खास मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज सिर्फ के सिर्फ 10 सालों में 11% और 1 साल में 73% रिटर्न दिया, मगर बीच में आप देखेंगे 3 साल में -9%, 5 साल में -4% का रिटर्न, तो ये जो नेगेटिव रिटर्न है इस नेगेटिव इम्पैक्ट अभी भी इस कंपनी के ऊपर बरकरार है, तो इसीलिए इस कंपनी में थोड़ा सा आप
बी आप दूरी रहे तो अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको खुद को एनालिसिस करना होगा। किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, मेरे ऊपर भी मत करिए, क्योंकि मैं खुद का एनालिसिस करके डेटा को एनालिसिस करता हूँ। तो आप भी खुद एनालिसिस करिए, आपको भी सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। कंपनी के पास अभी भी कर्जा है, मतलब मान के चलिए कंपनी का जो कर्जा है करीबन करीबन 459 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो सबसे नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। प्रोमोटर के पास 41% होल्डिंग था, उसके बाद देखिए धीरे धीरे कम होते होते एकदम पहुँच गया है मात्र 3.99% होल्डिंग। सबसे ज़्यादा किसके पास है? FIs के पास, और उसके बाद DIs के पास, उसके बाद पब्लिक के पास। तो देखिए प्रोमोटर जिस कंपनी से खुद निकल गया, मतलब उस कंपनी में तो कुछ तो नेगेटिव बात जरूर है। देखिए आप मान के चलिए आप खुद का बिजनेस है, आप बिजनेस से खुद आप बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब बिजनेस में ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव टेन होगा ना, इसीलिए तो आप बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं। अगर बिजनेस अच्छा चलता तो आप बिजनेस को क्यों छोड़ते? तो इसी तरीके से यहाँ पे मुझे लगता है ये जो पॉइंट है इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न में एक बार आपको ओपन कर दूँ तो आज के दिन यहाँ पे करीबन 2% से ज़्यादा तेजी देखने को मिला, क्योंकि आज के दिन यहाँ पे 52 हाई भी अचीव किया। एक साल की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस, ये जो परफॉर्मेंस दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ के सिर्फ परफॉर्मेंस एक ही कारण में हुआ था, वो है फर्स्ट कारण इसका CEO चेंज, और साथ ही साथ दूसरा कारण सोनी के साथ जुड़ना। इस दोनों कारण की वजह से यहाँ पे अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। मगर इस कंपनी के 5 साल के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो नज़रिया कुछ चेंज हो जाएगा। करीबन 22% आपको नेगेटिव रिटर्न दिया, और आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा दूँ तो सिर्फ के सिर्फ 1000% का रिटर्न, और इसका चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए कितना जबरदस्त तेजी, उसके बाद जबरदस्त डम, मतलब पम्प किया पहले उसके बाद डम कर दिया। तो ये खेल टोटली ऑपरेटर का है, इस तरीके से ऑपरेटर खेल खेलते हैं। आप इसमें रिटेल पब्लिक फंस जाता है, क्योंकि इसका इतना जबरदस्त तेजी हो रहा है, इसको देख के जबरदस्त खरीदारी कर लेते हैं एकदम हाई लेवल में, उसके बाद आपका फंड पूरा पूरा के पूरा डाउन, और आपका फंड पूरा पूरा नेगेटिव में आ जाएगा, तो आप पैनिक होकर उस शेयर को बेच देंगे। तो देखिए इस टाइप कंपनी में मैं लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट मानूंगा, और ऑब्वियसली मैं इसको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। हाँ शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर आप और ट्रेडिंग कर सकते हैं, मगर वो भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है, मैं खुद एनालिसिस करता हूँ, बहुत सारे पैरामीटर्स को फॉलो करता हूँ, तो इस फॉलो को आपको आपको भी करना होगा, तभी आप पता चलेगा। देखिए इसका जो 4000 का जो टारगेट है, मैं आपको टारगेट कुछ बहुत कुछ रीज़न देख के टारगेट दिया हूँ, मतलब आपके लिए मैं ये टारगेट नहीं दिया हूँ, सिर्फ आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से बताया हूँ कि इस तरीके से टारगेट भी रखा गया है, बहुत सारे दिग्गज एनालिसिस भी रखे हैं। तो मैं यही कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के बारे में। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहते हैं तो इस टाइप कंपनी से दूरी रहिए, और भी बहुत सारे अच्छा कंपनी आपको मिल जाएगा, उसमें आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।